हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, छोटे बच्चों के वर्कशीट्स जो मैंने प्रिपेयर की है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब इसमें देख सकते हैं कि ये मैंने प्लूरल की वर्कशीट प्रिपेयर करी है। इसमें जैसे प्लूरल में एस भी लगता है, ई एस भी लगता है, आई ई एस कब लगता है। अब इसमें जैसे बुक है तो बुक के आगे बुक सिंगुलर है क्योंकि ये एक है, तो बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स, बी ओ ओ के एस बुक्स। अब ट्री का हो जाता है ट्रीज। डोर का हो जाएगा डोज। ये सबसे सिंपल जो वर्ड्स है पहले पेज पे वो है। कैट का हो जाएगा कैट्स। सॉक का हो जाएगा सॉक्स। पेन का पेन्स। इरेजर का इरेजर्स। पॉट का पॉट्स। कुकी का कुकीज। और गर्ल का गर्ल्स। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें हम वर्कशीट में आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने बताया है कि ई एस कौन कौन से वर्ड्स में रखता है। तो जो भी वर्ड्स एस एच एस सी एच एक्स से एंड होते हैं तो उसमें हमें एंड में ई एस लगाना होता है। जैसे कि आप बेंच में देख सकते हैं कि ये सी एच से एंड हो रहा है, डिश में एस एच से एंड हो रहा है, ये सी एच से, इसके एंड में एक्स है। फॉक्स में भी देख सकते हैं एक्स है। तो ये सारे वर्ड्स के आगे हमें ई एस लगाना होता है। तो बेंच का क्या हो जाएगा, बेंचेस। डिश का हो जाएगा डिशेज। विच का हो जाएगा विचेस, राइट। बॉक्स का बॉक्सेस। फॉक्स का फॉक्सेस। प्रिंसेसेस। टोमेटोज। अभी टोमेटो में भी आप देखिए जिसमें ओ है एंड में, तो ओ भी रहता है तो ई एस हम लगाते हैं। अब बस है तो बस का भी बसेस हो जाएगा। चर्च का भी हो जाएगा चर्चेस। वॉच का हो जाएगा वॉचेस। और ग्लास का हो जाएगा ग्लासेस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी नाउन एंड होता है वाई से और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे वर्ड्स वाई से एंड हो रहे हैं लेकिन उसके पहले सारे कॉन्सोनेंट है, जैसे एल आर बी पी, तो इसमें आई ई एस लगता है। नाउन एंडिंग इन वाई विथ कॉन्सोनेंट फॉर्म प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इंटू आई ई एस, यानी जो वर्ड्स वाई से एंड हो रहे हैं लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसमें आई ई एस लगाएंगे। जैसे बटरफ्लाई का हो जाएगा बटरफ्लाइज। बैरी का हो जाएगा बैरीज। बी ई आर आर आई ई एस, वाई की जगह हम आई ई एस लगा रहे हैं। बेबी का हो जाएगा बेबीज। स्पाई का हो जाएगा इसे हम सारे इसमें वाई हटा के आई ई एस लगाएगा फैमिलीज।
पेनिस, पेनिस, पार्टी का पार्टीज PARTIES, डिक्शनरी का डिक्शनरीज CTION ARIES, लेडी का लेडीज पैरी का पैरीज FAIRIES। अब यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट इसमें जो भी मैंने सिंगुलर वर्ड्स दिए हैं तो उसमें क्या रूल है, जैसे F है या FE है एंड में, वर्ड के एंड में F या FE है, जैसे इसमें वुल्फ में आप देख सकते हो F हो है, और नाइफ में देख सकते हो इसमें FE है। तो ऐसे वर्ड जब प्लूरल फॉर्म में जाते हैं तो ये चीज़ें कट हो जाती, एफ कट हो जाएगा, इसमें एफ ई कट हो जाएगा, उसकी जगह वी ई एस लगेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, वुल्फ का हो जाएगा वुल्फ्स, नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स। अब इसमें भी ये कट हो जाएगा, तो इसमें भी कंटिन्यू आपको इसी तरह ये एक्सरसाइज भी करनी है। जैसे ये इससे भी काटना है, थिप का हो जाएगा THIEVES, इसमें भी इसे काटना है PHALVES, हाफ्स, एल्प्स में एफ काटेंगे EAVES, LOOAVES, शेल्फ में भी एफ कटेगा SHELVES। अब बहुत सारे जो वर्ब्स होते हैं जिसमें ये रूल अप्लाई नहीं होते, तो इसमें उसे भी कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स, जो सिंगुलर से प्लूरल होने के टाइम इसमें वो रूल एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे चाइल्ड का हो जाता है इसमें चिल्ड्रन, तो ये बच्चों को ये सारी चीज़ें आपको याद करवानी पड़ेगी। तो चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन CHILDREN, फुट का हो जाएगा फीट, टूथ का हो जाएगा टीथ, घूस का हो जाएगा गीज, मैन का हो जाएगा मैन, वुमन का हो जाएगा वुमेन, ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, शिप का शिप ही रहेगा और फिश का फिश ही रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी ग्रामर की या कोई भी टॉपिक पे वर्कशीट चाहिए, मेंटल मैक्स, मैक्स या इंग्लिश ग्रामर की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।